लेकिन जैसे ही कन्यादान शुरू हुआ ना, इतना पता नहीं क्या, हाँ से मुझे इतना रोना आने लगा। फंक्शन होता है ना, तब तक मैं बहुत इंजॉय की। मैं जयमाल में मैं नाचते हुए गई थी, मेरे दोस्त बगल से पीछे से बोले थे 10,000 का मेकअप हुआ है, रोना नहीं। कहते हैं कि कन्यादान मतलब जो कपल दंपत्ति जो होते हैं वही दे सकते हैं, तो पिताजी हैं नहीं मेरे, तो पल्लवी राय पत्रकारिता करेंगे कि नहीं, क्योंकि ससुराल का सिस्टम के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। खिड़की से देखी तो दूल्हा खाना खा रहा, तो मेरा इतना पारा ही हो गया कि मैं सुबह से पानी भी नहीं पी, खाना खा रहा। हाँ। सब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर वो हैं कौन जिनसे आपकी शादी, अभी तक दिखाया नहीं गया, सब कुछ दिखाया गया आपकी शादी का, लेकिन दूल्हे को नहीं दिखाया गया। कितना दहेज दिया गया? दहेज भारत एक नई सोच की पत्रकार पल्लवी राय की 27 नवंबर को शादी हुई और आज 28 नवंबर है। 28 नवंबर को सुबह में इनके जो है कि विदाई हुई और अब अपने ससुराल में मौजूद हैं। आप लोग देख सकते हैं कैमरे के फ्रेम में कि सिंदूर लग चुका है, शादी हो चुकी है और अभी अपने ससुराल में आ चुकी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पल्लवी राय पिछले 6-7 सालों में पत्रकारिता के बदौलत बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो ससुराल में उनका आवाज़ बन करके उठाई थी, आज खुद जो है कि अपने ससुराल में ये पहुँच चुकी हैं। कैसा लग रहा है, कैसा ये समय है, बहुत सारे लोगों की आवाज उठाई, इनसे बात करते हैं। मैडम बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत धन्यवाद। ये बताइए आज के दिन को आप कैसे देखती हैं, क्योंकि आप 6 सालों में बहुत सारी महिलाओं को देखी जो ससुराल में रहती हैं। आप क्या बताऊं, मतलब जब तक शादी होने मतलब जयमाल, हाँ जयमाल तक और वो जो फंक्शन होता है ना, तब तक मैं बहुत इंजॉय की। मैं जयमाल में मैं नाचते हुए गई थी, देखे तो हो गई, आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो मतलब उस समय तक मैं बहुत इंजॉय की, जमाल तक बहुत इंजॉय की, जमाल के बाद जब मिली घुटोवल हुआ वो सब, लेकिन जैसे ही कन्यादान शुरू हुआ ना, इतना पता नहीं क्या, हाँ से मुझे इतना रोना आने लगा। मैं अभी तक रो ही रही हूँ, पता नहीं क्यों। जबकि अगर किसी मतलब ऐसे जगह में शादी हुई होती जहाँ मम्मी पापा जबरदस्ती करा देते तो रोती तो समझ में आ रहा है, खुद मेरी पसंद, खुद मम्मी मान गई, इनके फैमिली वाले मान गए, तो भी इतना रोना आ रहा है कि मतलब मैं दूसरे मतलब जब कन्यादान होता है तो लोग कहते हैं ना कि ये अपनी कन्या हम आपको दान दे रहे हैं, मतलब दे जाओ जाओ यहाँ की बची नहीं, नहीं। तो वो कन्यादान जैसे उन्होंने कन्यादान का कार्यक्रम शुरू किया वैसे ही मेरा रोना शुरू हो गया। मेरे दोस्त बगल से पीछे से बोले थे 10,000 का मेकअप हुआ है, रोना नहीं। 10,000 बर्बाद हो जाएगा, रोना नहीं। अच्छा ये बताइए आज पहला दिन है तो आपको ससुराल के लोग आपके साथ कैसा बिहेव किया अभी तक? नई नवेली बहुओं के साथ अच्छा ही बिहेव होता है, अच्छा प्यार मिलता है, भली तो एक महीने बाद ली जाती है ना, पहले तो अच्छा ट्रीटमेंट होता है। बहुत अच्छी बात है। तो ये बताइए आपको कन्यादान कौन दिया, मम्मी दी है या फिर आपके रिश्तेदारी में कोई? दीदी और जिया दीदी है। दीदी और जीजा जी। कहते हैं कि कन्यादान मतलब जो कपल मतलब दंपत्ति जो होते हैं वही दे सकते हैं, तो पिताजी हैं नहीं मेरे, तो इसलिए दीदी और जिया जी ने। अच्छा, मंगलवार के दिन सुना जाता है कि विदाई नहीं होता, तो सुबह सुबह एकदम अंधेरे में ही विदाई हो गई आपकी? हाँ अंधेरे में ही, 5 बजे। 5 बजे आ गई थी ससुराल? नहीं, ससुराल 6 बजे आई थी। 6 बजे पहुंची थी। वो ऐसे था कि एक बार परिक्रमा करा के वापस ले आए, फिर रोना गाना हुआ। पहले जब परिक्रमा वाला हुआ था तो मैं ऐसे बोली थी, हेलो गाइस मैं ससुराल जा रही हूँ गाइस, क्योंकि तो मुझे पता था क्योंकि मुझे आना है थोड़ी देर। तो केवल रास्ते में ही रोई थी कि घर पे आके भी रोई थी? नहीं अभी थोड़ी देर पहले भी रो ही रही थी। पता नहीं क्यों ही रोना आ रहा है, जबकि ना मतलब मुझे मर्जी सब खुशी हुआ। हाँ और ये भी पता है कि मेरा ना माइक और ससुराल ज्यादा दूर नहीं है और मुझे स्कूटी चलाने आता है गाइस, तो मुझे जब मन करेगा मैं जा सकती हूँ। अच्छा, ये भी मुझे पता है, मतलब हाँ ठीक है अभी नहीं कुछ दिन, लेकिन फिर मैं जा भी सकती हूँ ये भी मुझे पता है, फिर भी मैं रो रही हूँ पता नहीं क्यों। अच्छा अब सबसे मेन मुद्दे पे होती है ना, ये एक लड़की समझ सकती है आई थिंक। अच्छा मेन मुद्दे पे आते हैं, आप जो है कि पल्लवी राय पत्रकारिता करेंगे कि नहीं, क्योंकि ससुराल का सिस्टम के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। क्यों नहीं करूंगी यार, ससुराल के सिस्टम को मैनेज कर लिया जाएगा। सुनो ससुराल के सिस्टम को मैनेज कर लिया जाएगा, जैसे मम्मी के सिस्टम को मैनेज करके शादी की गई है। मैनेज हो जाएगा। आप एक बेटी थी, लड़की थी, लेकिन अभी आप एक बहू बन चुकी है ना, मैनेज हो जाएगा सब। तो घर पे भी मैनेज, तब मैं अकेले मैनेज कर रही थी, अभी 2 लोग मिलके मैनेज करेंगे तो हो जाएगा। फिर भी मान लिया परिवार को देखना प्लस उसके बाद से अपने जॉब को देखना, काम को देखना, ये जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं वो कैसे करती हैं, तो जो ऑफिस जॉब बढ़ जाएगा पहले तो पहले मैं अकेले अपनी जिम्मेदारी उठा रही थी, एक साइकिल का एक पहिया चल रहा था, अब दो चलाएंगे ना तो अच्छे से मैनेज हो जाएगा। मतलब अब कोई दिक्कत नहीं है? नहीं मतलब मैं आटा सान दूंगी, तुम्हारे सर सब्जी काट देंगे, काम कम हो जाएगा, जल्दी से खत्म करके काम करने चले जाएंगे। ना सही बात है, तो उनको ये बना के रखना है। नहीं
तो ये तो क्या बोलते हैं, काम को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की होनी चाहिए, काम को आसान करने हाँ नहीं, ये मतलब जो भी ऐसे कपल्स या जिनकी भी शादी होती है उनके अंदर आ जाता है थोड़ा भी बन जाता है। ये बताइए आप जो है कि जब यहाँ से आई तो अभी तो कुछ खाना वगैरह खाई है कि नहीं दोपहर का समय? मेरे को तो रोने से ही फुर्सत नहीं मिल रहा है, पता नहीं क्यों। कुछ नहीं खाई अभी तक? नहीं खाई हूँ, नाश्ता वास्ता की है। हाँ तो लेकिन रोना बहुत आ रहा है, पता नहीं क्यों रोना बहुत आ रहा है। तो रोना तो आएगा ही, मायके छोड़ के ससुराल आ गई तो ये भी अपना ही घर है ना, मतलब मम्मी तो बोली ना कि जाओ अब तुम अपने नए घर जाओ, नए घर मम्मी भी भगा दी। हाँ जब ये बोली तो मुझे फिर से रोना आ गया, कह रही कि अब तुम अपने नए घर जाओ। नए घर जाओ तो आप नए घर चली आई, मम्मी से बात हुआ जब यहाँ पे आई उसके बाद? अभी जब मैं रो रही थी तब मम्मी फोन की कि क्या नाटक कर रही हो तुम। मतलब मम्मी को सीरियसली है क्या? हा? आप सीरियस जाते हो गई हैं? नहीं, विदाई के समय मम्मी रो रही थी और अभी आप रो रही हैं। तो उस समय मेरा फोटो खिंचाया था, 10,000 का मेकअप हुआ था तो खराब ना हो जाए इसलिए मैं रोई नहीं। अच्छा, अच्छा। अब जब मैं यहाँ पे आ गई तो मुझे लगा कि अब क्या ही मेकअप का क्या ही करना है, तो फिर मैं सोची कि अब रो के वो कवर अप कर दूं जो उस समय नहीं रोई थी। अच्छा ये बताइए, जो महिलाएं जो है कि लव मैरिज करना चाहती है, लड़कियां करना चाहती है, तो उनको आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि आप भी एक लव मैरिज की हैं और आपसे बहुत लोग सीखना चाहेंगे? देखो ना तो लव मैरिज गलत है ना अरेंज मैरिज गलत है, जिस 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 मैरिज में फैमिली का सपोर्ट हो वो सब मैरिज सही है। अब इसको तुम लव बोलोगे कि अरेंज बोलोगे यही बताओ, बस पसंद मेरी थी, बाकी नियम कानून जो होता है शादी में, जो रीति रिवाज परंपरा निभाई जाती है, मैं तो पूरा नीरा जल टाइप का, मेरा तो व्रत भी रहा 27 तारीख को, नहीं खाने देते ना। हाँ सिस्टम से शादी हुआ और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, पूछी क्यों तो मैं बताऊँ? बताइए। जमाल के बाद दुबला जो है वो बैठ के एकदम खाना शुरू और मुझे हम मुझे अंदर कर दिया गया, इमली घुटावल जो होता है उसके बाद मुझे अंदर कर दिया गया, तो फिर मुझे मैं ऐसे खिड़की से देखी तो दूल्हा खाना खा रहा था, मेरा इतना पारा हाई हो गया कि मैं सुबह से पानी भी नहीं पी खाना खा रहा। हाँ ऐसे तो नहीं चलेगा ना, तो मतलब एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना कि भाई जो हमारे लिए व्रत है हमको भी तो रहना। हाँ मुझे भी रहना पड़ेगा, सही बात। तो आप निभा रहे थे लेकिन वो नहीं निभा, नहीं निभाए। फिर उसके बाद मतलब रूम में ले जाके पियरी वेरी पहना के पूरा मतलब ले दे के पूरा 24 घंटे का व्रत रह गया, शादी के बाद पानी मिला तो चेहरा हमको लगता है डाउन हो गया है। नहीं यार नहीं हुआ है। लोग बताएंगे कैसी लग रही हूँ। जरूर बताइएगा आप लोग। सब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर वो हैं कौन जिनसे आपकी शादी, अभी तक दिखाया नहीं गया, सब कुछ दिखाया गया आपकी शादी का लेकिन दूल्हे को नहीं दिखाया गया। समझने वाले समझ गए थे, उसमें भी कुछ लोग लिख रहे भी थे जो समझ रहे थे। हाँ लेकिन कुछ लोग अभी भी नहीं जानते तो उनको तो दिखाना जरूरी हो जाता है। हाँ नेक्स्ट वीडियो में दिखा देंगे, अगले वीडियो में इंतजार करिएगा, आपको एक साथ दिखाएंगे। दोस्तों अब क्या हम आपको आपके जीजा जी से मिलाएंगे। कमेंट तो बहुत भर भर के आ रहा है जीजा जी से मिलने के लिए ना। क्या बताएं, कमेंट आप खुद पढ़िएगा, जब आपको फ्रीडम मिलेगा समय मिलेगा तब पढ़िएगा। देखिए लोग कुछ लोग भाभी भी कह रहे हैं, कुछ लोग जीजा भी कह रहे हैं, भाभी तो मैं हो ही नहीं सकती किसी भी तरीके से। बहुत सारे लोग कमेंट, वो चिढ़ाने के लिए कर रहे होंगे, पर मैं हूँ तो आप लोगों की दीदी भाई, दीदी कह के बुलाता है, तो आपके जीजा जी से मिलाएंगे अभी। चलिए तो आप लोग थोड़ा समय इंतजार करिए, अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि आखिर ये शादी जो की है वो लड़का कौन है और क्या वाकई में इनसे खूबसूरत है कि नहीं। ये तो जानने वाली चीज़ है, खूबसूरती चेहरे से नहीं होती है, वो तो मेकअप आजकल प्यार तो इसी से होता है ना। वो तो आदमी मेकअप उतवा के बनाया जा सकता है किसी को भी। बहुत सारे रील्स देखते होंगे एकदम ओल्ड बूढ़ी सी दादी लोगों को एकदम मेकअप करके क्या ही किया जा सकता है, कुछ भी बनाया जा सकता है। तो मेकअप कभी चेहरे की खूबसूरती नहीं होती है, दिल की होती है। पूछो कैसे कैसे, जैसे मेरी मम्मी को पटाने में तुम्हारे जिया जी का बड़ा रोल रहा है। मम्मी हमेशा तुम जब इंटरव्यू, मम्मी नहीं बोली कि मेरे बेटे से बढ़ के मेरा दामाद है, तो मतलब वो जो सेटिंग जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी है वो मतलब आपके जिया जी ने बड़ा इसमें रोल किया है मम्मी को पटाने में। हाँ मैं अकेले तो नहीं समझा पाती, राखी में मम्मी मान ही गई, मान गई और ज्यादा ही मान गई अब तो मुझे लगता है। मैं कोई बात बोलती हूँ तो उनको झूठ लगती है, उनको अपने दामाद की बात सही लगती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतने 6 साल मान लो तो बात ही नहीं हुई होगी, 3-4 साल में ऐसे क्या ही इन दोनों लोगों की बॉन्डिंग बनी है कि बेटी झूठी हो सकती है लेकिन दामाद झूठा नहीं होगा, ऐसा बहुत ही अच्छी बात है। अब क्या ही कहें, देखिए शादी के जोड़ों में वाकई में ये काफी खूबसूरत लग रही थी आपको और अभी विदाई करके ससुराल। ये विदाई का जोड़ा है, विदाई का जोड़ा है, शादी का पियरी और ये विदाई का। अच्छा लड़कियों के लिए सबसे खास पल यही होता है नहीं?
वो होता है जब दो तीन मोमेंट खास होता है, एक वो कन्यादान, जयमाल तो कन्यादान, जयमाल कोई जयमाल तो कोई वो ट्रेंड ट्रेंड बन गया, इसलिए सबसे मेन इम्पोर्टेंट वो कन्यादान वाला होता है जिसमें मैं रो रही थी, उसके बाद वो सिंदूरदान और फेरा फेरा साथ फेरा। क्या बात है, देखिए वाकई में यकीन नहीं हो रहा है कि ये वही लड़की है जो सच में नहीं हो रहा है जो धारती थी, अच्छे अच्छे लोगों को लतार देती थी, समय नहीं लगता था, आज अपना पल्लू सीधा करने में लगी हुई है। अपने ससुराल के बीच में कैसे बैठी है? नहीं नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं, अब लोग समझते हैं ना ये चीजें, उनको पता। अब कब से कंटिन्यू आप पत्रकारिता पे फिर से ध्यान दीजिए, कितना दिनों तक रेस्ट रहे अलग? एक डेढ़ हफ्ते ना, कितने दिन बाद? एक हफ्ता के बाद फिर से फील्ड में आ जाइएगा। तो घर की बहू अब जो है कि फील्ड में जाकर के फिर पत्रकारिता? हाँ, तब मैं एक घर की बेटी थी, अब मैं दो घर की बेटी बन गई हूँ। क्या बात है, मम्मी बोल के गई जब मैं रो रही थी तो। अच्छा अच्छा, कह रही थी मैं तुमको फोन में देखती थी, मैं कभी सोची नहीं कि तुम ऐसा रोगी, बच्चों की तरह क्यों रो रही हो, तुम तो इतनी समझदार हो, अब मैं रो के क्यों दिखाऊं, अभी मम्मी की बात करोगे तो मैं ऐसे ही रो दूंगी। ना, मम्मी की बात कोई नहीं करेगा, हमको पता है कि आप बहुत रोती हैं, मम्मी को बहुत प्यार करती हैं। कैसे पता मैं बहुत रोती हूँ? क्योंकि हम देखे, कल मम्मी से आपके पर्सनली मिले थे, बात किए थे, मम्मी आपके बारे में बहुत कुछ बता रही थी। कब मिले? अब सब सामने ही बता दे। कल मिले थे जब आप लोग जो है कि मेकअप कराने के लिए पार्लर गई थी ना, तो हम मिले थे आपकी मम्मी से, तो मम्मी से बहुत कुछ बात हुआ। मम्मी को बहुत मानती हैं, पूरा आंख जो है कि मतलब बड़ा बड़ा होता। मम्मी रो रही थी? नहीं, आपका। देखिए वो समय बहुत ही खास होता है। नहीं, हर माँ बाप ना अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है, कोई भी, एक कुत्ते का बच्चा भी देखिए, वो जो हर 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 माँ, हर हर जानवर हो या इंसान, हर माँ के अंदर ममता तो होती है, है ना? सही बात है। जब आंचल छूटता है तो जब फिर से जानना चाहेंगे, हो सकता है कुछ लोग ना देखे वो पार्ट्स, कितना दहेज दिया गया? दहेज नहीं दिया गया भाई, दहेज क्यों देना? कुछ भी नहीं दिया गया दहेज में, एक रुपया भी नहीं। नहीं, वो कन्यादान का जो कन्यादान के समय जो मतलब रसम होता है, वो कहते हैं कि मतलब खाली हाथ नहीं दिया जाता है, तो कुछ बहुत बड़ा नहीं, चांदी का एक सिक्का, वो क्योंकि वो जरूरी था तो वही, बस वही, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया। क्यों देना है भाई दहेज? लड़की काबिल, लड़का काबिल, दहेज क्यों देना है? कमा के बना लेंगे गाइस। क्या बस उन लोगों का सपोर्ट रहा? हाँ, बस आप लोग हमें सपोर्ट करिएगा, और हमने जो नई मतलब एक पहल दी है लोगों को, एक नई सीख दी है। देखो, दहेज प्रथा खत्म तो हो गई थी, लेकिन इसके लिए कोई ऐसे स्टेप लेके बोलता नहीं था या करता नहीं था, किए भी होंगे बहुत सारे लोग, तो मुझे लगा कि ये शादी इसलिए बहुत ज़्यादा खास है कि हमने इस शादी में मतलब मैक्सिमम चीज़ें अपने आप से करने की कोशिश की है, परिवार वालों को बर्डन भी नहीं दिया। आप हमारे इस मतलब हमारे इस चीज़ के साथ हैं, हमारे हमारी पसंद के साथ हैं, तो हमने ये भी कोशिश की कि उनको ज़्यादा परेशानी ना हो, लेकिन माँ बाप है, परेशान हुए बिना मानते कहाँ है। सही बात है, चलिए बहुत ही अच्छी बात है, और ये जो है कि बहुत ही खास पल होता है जब ससुराल आप लोग की, मेरा ये जीवन, मेरी मेरा ये जो नया जीवन है वो बहुत खुशियों से भरा रहे। बुजुर्ग लोग आशीर्वाद दीजिएगा, कामना करते हैं। नहीं, तो चलिए आप लोग आशीर्वाद दीजिए और जो है कि प्यार दुलार दीजिए, उसके बाद से एक हफ्ते बाद फिर से फील्ड में उतर करके वो अपनी पत्रकारिता का बदौलत फिर से एक और पहचान बनाने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि पहले जो पहचान थी वो एक लड़की के तौर पे थी, लेकिन अब जो पहचान बनेगी एक बेटी और बहू। कहते थे कि यूपी की बेटी, अब कहेंगे यूपी की बहू। हाँ, तो ये एक अलग पहचान अब फिर से बनाया जाएगा, फिर से खड़ा हुआ जाएगा, फिर से एक नई मुकाम लिखी जाएगी, और आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। अगले वीडियो में बने रहिएगा, अगले वीडियो में आपको दिखाया जाएगा कि आखिर इनकी शादी हुई किससे है। बाकी आप लोग इनकी शादी के बारे में क्या सोचते हैं, वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।